नमस्कार। हाँ सर बोलिए। नमस्कार सर, क्या कहेंगे? मैं ये चाहता हूँ कि धर्म है ये जो है अभी वंदे मातरम पर जो भी व्यक्ति राष्ट्र गान है या राष्ट्र के ऊपर जो भी व्यक्ति कोई अगर इसके ऊपर अगर आता है तो उसको सीधा गोली मार देना चाहिए। ऐसा लगता है आपको कि ऐसा कुछ होगा? इनको तो फूलों फूलों से सजाया जा रहा है। बोले तो नहीं, हम लोग हैं, हम आर्मी में हैं। मेरा नाम है लेस नायक संतोष कुमार झा। मैं अपना रेजिमेंट का नाम नहीं बताना चाहता हूं मीडिया में, इसलिए जो आप जानते ही हो फौज का स्कूल अलग है कुछ ही डिसिप्लिन। तो आप आर्मी से बोल रहे हैं? हाँ सर। यस सर, मेरे को बहुत खून खोल गया सर। मैं आपका ये सुदर्शन चैनल जो है तो मैं बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से देखता हूँ। मैं हमें धन्यवाद। देश के कुछ ऐसे मां भारती के सुपुत्रों से ही कुछ आशा है जो कुछ कर सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि कानून के हाथ में लो, लेकिन कानून तोड़ने वाले संसद में जहां कानून बनता है, जहां उसकी रक्षा करने की शपथ ली जाती है, वही जब वो टूटता है तो उसको तोड़ने वाले की सजा अगर वहां नहीं मिलेगी तो अगर बाहर कोई सजा देता है तो उसको वहां पर किसी को बोलने का अधिकार वो खो बैठता है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, मैं स्टालिन मिश्रा कुआलालंपुर से बोल रहा हूँ। हाँ। और ये जो आज का जो मुद्दा है इसके ऊपर ये मैं बोलना चाहूंगा कि देश सर्वप्रथम है, बाकी धर्म और जो देश वो दोनों एक सिक्का के दो हिस्सा है। जो देश का नहीं वो धर्म का नहीं, जो धर्म। बिल्कुल धन्यवाद। जो किसी देश को अपना देश नहीं मानता, इस हिंदुस्तान को अपना देश नहीं मानता, वो किसी धर्म का भी कभी भी नहीं हो सकता। हम आपको कारण दिखाते हैं कि हम ये सवाल आपको क्यों पूछ रहे हैं। देखिए, देश में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का अपमान। कई ऐसे नेता हमारे देश में दिखाई देते हैं जो सिर्फ इस बात पर राष्ट्रगीत का अपमान करते हैं क्योंकि वो उनके धर्म के खिलाफ है। इसी से पता चलता है कि इन लोगों के लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है या फिर धर्म। देश के शहीदों का अपमान। अभी मुंबई के आजाद मैदान में अमर जवानों की याद में बनाई गई प्रतिमा को तोड़ा गया। इससे पता चलता है कि ना तो इन लोगों में देश के प्रति आस्था थी, ना ही देश के शहीदों के लिए। सेक्युलरिज्म के नाम पर राष्ट्रभक्ति का मजाक उड़ाना। आज देश में सेक्युलरिज्म के नाम पर लोग देशवासियों के दिल में बसे देश प्रेम की भावना को कमजोर कर रहे हैं। अगर कोई इंसान देश पर मर मिटने की बात करता है तो अपने आप को सेकुलर दिखाने वाले उसका मजाक उड़ाते हैं। शहीदों की शहादत को दो कौड़ी का देश प्रेम कहना। फिल्मकार महेश भट्ट कहते हैं कि मैं उस देशभक्ति को दो कौड़ी का मानता हूँ जो ये कहती है कि अगर पाकिस्तान ने आपके जवानों का सिर काट दिया तो आप पाकिस्तान से इसका बदला लो। देश प्रेम से जोड़ने की बजाय धर्म के नाम पर जोड़ने की सोच। कई धार्मिक संगठन हैं जो लोगों को अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताकर लोगों का धर्मांतरण करते हैं। कभी कभी तो पैसे का लालच भी देकर लोगों को जोड़ा जाता है। क्या आपने सुना है कि कितने लोग देश प्रेम के नाम पर जोड़ते हैं? जो देश प्रेमी है उसे पागल तक। महेश भट्ट की भी याद यहाँ पर पैकेज में आ गई। अच्छी बात हुई, जिनके लिए अगर कहीं प्रेम भी पहला होगा तो पाकिस्तान के साथ होगा, भारत के साथ नहीं। लेकिन यहाँ पर नाम कमाएंगे, यहाँ पर पैसा कमाएंगे, इस थाली में खाएंगे और उसी में छेद करेंगे, उसी में गंध करेंगे, और फिर भी महेश भट्ट और फिल्मकार कहलाएंगे। हम आप उनकी फिल्में देखकर जेब से पैसे देंगे, तालियां बजाएंगे और ये आपके पीछे से लात मारेंगे। सुधरिए, अब भी समय है। अभी भी अगर नहीं सुधरे तो ये और बड़े बड़े होके भारत रत्न भी लेंगे और भारत माता की जय जयकार करने वाले जेल में सड़ते रहेंगे। अगले कॉलर। नमस्कार सर। बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ सर, जिसको ये धर्म समझ रहे हैं ये मजहब है। धर्म तो एक ही है, धरती तमा दमोस्त सौतम इंडिया निग्रह धीर विद्या सत्ता मात्र दो दशकम धर्म लक्ष्मण लक्ष्मण ये धर्म के लक्षण है। और ये मत पंथ है, पंथों में कट्टरता आ गई और ये देश के जो है इसमें जा रहे हैं सारे अपने जो है पंथों में पढ़ के पंथों की कट्टरता में पढ़ के इनको देश को ही इसका जो नाम दिया जाना चाहिए और इन्हें देश से निकाल के आना चाहिए, पाकिस्तान भेज देना चाहिए इनको, यहाँ से इनके लिए पाकिस्तान बना है जैसे देशद्रोहियों के लिए। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो, जय सर। बोलिए। मैं सुशील गुप्ता जयपुर से। हाँ। पहले आपको बताना चाहूंगा, मैं आपके चैनल का नियमित दर्शक हूँ और मेरे को आपका चैनल बहुत बढ़िया लग रहा है। जिसमें विषय पर मैं कहना चाहूंगा
स्वामी अग्नि देश को संत समाज को निष्कासित करना चाहिए और जो अपने देश के राष्ट्र का सम्मान नहीं कर सकता वो अपनी माँ का भी सम्मान नहीं कर सकता। सबसे पहले हमारा देश हमारे लिए है, जब हमारा देश होगा तभी हमारा धर्म होगा और देश की रक्षा के लिए जब हमारे सैनिक खड़े हुए हैं ठीक उसी तरीके से हमें भी अपने देश के सम्मान के लिए खड़े रहना है और इसके लिए हमें आगे संघर्ष करना है। धन्यवाद। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। नमस्कार सुरेश जी। हाँ सुरेश जी, मैं कुवैत से बोल रहा हूँ, हैदर है मेरा नाम। बोलिए सुरेश जी। मैं भी देखा जो लोकसभा में जो ये हुआ, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। हाँ। और ऐसी लोग ही इस्लाम को बदनाम करते हैं सुरेश जी। बिल्कुल, इस्लाम में भी कहा गया है जहां पर आप जिस मुल्क में रहते हैं उससे वफादार रहो। मौला अली का कहना है कि आप जिस मुल्क में रहते हैं उससे वफादार रहो। ऐसे ही लोग इस्लाम को बदनाम करते हैं। बस मुझे तकलीफ हुई काफी देख के, जिस मुल्क में हम रहते हैं उसको ही वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल हैदर भाई, आप जिस देश से बोल रहे हैं उस देश में भी राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है, वहां पर भी वहां की माता को पूजा जाता है। बिल्कुल, यहां पर भी नेशनल सॉन्ग है, बहुत ही इज्जत के साथ। बिल्कुल, बहुत इज्जत के साथ, बहुत ही उसके साथ यहाँ पर लिया जाता है। और मैं सारे अपने मुसलमान भाइयों से ये अपील करता हूँ कि देश की इज्जत करें, जहां पर आप रहते हैं उसका सम्मान करें। शुक्रिया सुरेश जी। धन्यवाद हैदर भाई, आप जैसे लोगों की अभी जरूरत है और खास करके अब सामने आकर बोलने की जरूरत है, क्योंकि सामने आकर बोलने वाले ओवैसी है, जाकिर नाइक है, इमाम बुखारी है, लेकिन ऐसे हैदर भाई जैसे लोग सामने आकर बोलते नहीं, और इसलिए इनको याद करने के बजाय लोग इनको याद करते हैं जो देश के खिलाफ बोलते हैं। अगले कॉलर। हाँ नमस्कार सर। बोलिए सर, मैं दिगंबर प्रसाद ममगाई बोल रहा हूँ। हाँ सर, प्रथम देश है जिसकी अपनी सीमाएं हैं, जिनकी रक्षा करना परम धर्म है, जिसके लिए सदियों से वीरों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। देश की सीमाओं का विस्तार करना अधर्म तो है ही, अनैतिक भी है। देश की अखंडता और सीमा की सुरक्षा के बाद ही धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक गतिविधियों के बारे में सोचा जा सकता है। बिल्कुल, मैं इसे देश का सौभाग्य समझूं या दुर्भाग्य, ऋषियों ने, मुनियों ने, पीर फकीरों ने जीवन पद्धति को पशु पक्षियों, पेड़ पौधों, नदी तालाबों, गली चौबारों, शिखर शिखाओं, सांसों तक को लयबद्ध कर जीवन से मरण की यात्रा को क्रमबद्ध तरीके से नारायण स्वरूप कर दिया। बस नहीं कर पाए तो इस देश की संसद को, जिससे जीवन पद्धति असहज हो चुकी है। धार्मिक व्यवस्था पर 150 वर्ष पहले स्वामी विवेकानंद ने धर्म को मानव कल्याण, राष्ट्र कल्याण, विश्व कल्याण के लिए एक सूत्र में बांध कर इस देश को गौरवान्वित किया। वहीं आज एक युवा नेता ने उसी धार्मिक व्यवस्था पर न बोलकर विश्व को देश की राजनीतिक व्यवस्था का परिचय दिया, क्योंकि धर्म आज मुक्ति का नहीं युक्ति का साधन बनकर रह गया है। देश है तो धर्म है, धर्म से देश नहीं, देश सर्वोपरि है। नमस्कार, धन्यवाद। वाह बहुत अच्छे, देश धर्म मुक्ति का नहीं युक्ति का, अर्थात वोट की युक्ति का, होशियारी का साधन रह गया है। इनको धर्म नहीं, इनको प्यार है वोट से। ये जिसने वंदे मातरम का संसद में अपमान किया, क्या ये इस्लाम को पूरा 100% फॉलो करता है? इस्लाम तो कहता है कि आपको ब्याज नहीं लेना चाहिए। इनको पूछिए कि बैंक में कितने पैसे और उस पर कितना ब्याज आता है, टीवी नहीं देखना चाहिए। तमाम ऐसे कई चीजें हैं जो ये पालते नहीं, पूरा करते नहीं, तब ये धर्म का अपमान करते हैं। लेकिन वंदे मातरम बोलने का इनका धर्म का अपमान, इनको ये किसी भी स्तर पर कहा भी जाकर, कहीं भी जाकर करते हैं, और खास करके जब चुनाव नजदीक आते हैं तो ऐसे करने वालों की बाढ़ से आ जाती है। आइए एक और कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, चलिए ब्रेक का टाइम हुआ, हम यहां पर ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं कि अगर इस देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। पूरा भारत एक सुर में आवाज दे रहा है, लेकिन देश के कर्ता धर्ता नेता वंदे मातरम का अपमान करने वाले एक सांसद को अपने बीच से शांति से निकलने देते हैं। संसद के गलियारों से वो निकल जाता है,
हालांकि अब दिल्ली से भाग चुका है और इसके घर के ऊपर लोगों ने देशद्रोही यहां रहता है बोर्ड लगाया है, लेकिन फिर भी अब तक इसको किसी ने कोई सजा नहीं दी है, ना कानून ने, किसी व्यक्ति ने, ना किसी संस्था ने, ना किसी भी धर्म को मानने वाले समुदाय ने। इस विषय पर चर्चा जारी है, देश अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है और ऐसे समय में अगर आप चुप बैठेंगे तो इस मौन का पाप आपको जरूर जरूर सजा देगा। इसलिए इस कार्यक्रम में ही नहीं, आपको ऐसे मुद्दों के खिलाफ हमेशा बोलना जरूरी है, भले आप कॉल करके बिंदास में बोलिए, आप फेसबुक पर बोलिए, आप जहां कार्यक्रम में जाते हैं, जहां भाषण देते हैं, अगर आप शिक्षक के विद्यार्थी को सिखाते हैं, या आप अपने समूह में, रिश्ते नातों में जहां भी बैठते हैं, ऐसे विषयों पर चर्चा जरूर करिए। हवा पानी की चर्चा तो सब करते हैं, लेकिन इस आंधी की, जो आंधी इस देश के मान्यताओं को उखाड़ फेंक रही है, यहां की देशभक्ति को तोड़ मरोड़ रही है, इस पर भी चर्चा करिए। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि जो हमारे स्पीकर हैं महोदय मीरा जी, हाँ, सबसे पहले उनको इस पे इनिशिएट लेना चाहिए था। उन्होंने कोई इनिशिएट नहीं लिया, इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कायम करना चाहिए था, जिन्होंने इतना बड़ा अपमान करा। उसके बाद मायावती जी क्यों चुप हैं? हमें ये समझ नहीं आती कि ये देश को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। आप इनसे ये पूछिए कि आर्मी में इतने बच्चे हैं जिनका दिन की शुरुआत जो है राष्ट्रीय गीत से होती है, अगर उनके ऊपर ये क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल, आपके चैनल द्वारा किया गया बहुत बढ़िया कार्यक्रम जिसमें आबोशी जो था अकबरुद्दीन, उसको जेल जाना पड़ा। जाकिर को ये पता लगा कि तेरा सच में नाम जो नाइक नहीं है, तू खलनाइक है जाकिर। बिल्कुल। और ये सत्ता का दलाल मौलाना अब्दुल बुखारी, जो कभी किसी पार्टी में कभी कहीं जाके अपनी जगह ढूंढता है, ये लगता ऐसा है कि बिना माँ के बच्चे हैं, जो माँ को मतलब प्रणाम नहीं कर सकते, ये बिना माँ के बच्चे हैं। बिल्कुल। इनको ये पता ही नहीं है कि धर्म की परिभाषा क्या है, इसको समझने की जरूरत है। हकीकत में धर्म जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या कोई अन्य नहीं है, धर्म का मतलब सत्य का रास्ता है। और इतने सांसद, 500 सांसद वहां बैठे हैं, बिल्कुल चुप रहे, किसी ने इस पे कोई अपनी प्रतिक्रिया तक नहीं दी, ये इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। बिल्कुल। मैं इस चैनल को एक बार फिर बधाई देता हूं कि ये चैनल इस बधाई का पात्र है, और बार बार आप इसको दिखा रहे हैं, क्या नाम अपना ये भगवा कपड़े वाले अग्निवेश, अग्निवेश सच में ये अग्नि है। बिल्कुल, जो अपने ही घर को जला रही है ना, देखिए ये ऐसी अग्नि है जो अपने घर को जला रही है। और दुख इस बात का होता है कि कल भी मैं एक चैनल पे सुन रहा था कि मतलब खाते यहाँ का और गाते कहीं और का। बिल्कुल। तो ये मुझे नहीं समझ आती कि स्वामी क्यों लिखता है, ये अग्निवेश क्यों लिखता है, इसको तो अपना नाम कहीं से मोहम्मद अग्निवेश लिखना चाहिए। ये कम से कम अपने कपड़े बदल ले, मतलब संतों की जो है, मतलब इसको ये समझ नहीं आ रही कि संतों के रूप में जाके कभी कोई अपना जो है अन्ना हजारे जी के यहाँ गंध कर रहा, कहीं कहीं कर रहा, मतलब इनको भी, इसको भी इन सबके साथ, जैसे अकबरुद्दीन है या नाइक है या बुखारी है, इनको ये पूछो कि ये जो क्या नाम अपना हमारे राष्ट्रपति रहे अब्दुल कलाम, उसके बाद जो मौलाना आजाद थे वो क्या मुसलमान ही थे? ये नए वाले मुसलमान पैदा हुए क्या? मुसलमानों में कोई अलग से खून है क्या? इन मुसलमानों को अग्निवेश के साथ पाकिस्तान भेज दो ना, आजकल अच्छा मौका वहां। धन्यवाद। पाकिस्तान में चुनाव चल रहे हैं, वहां पर जाकर चुनाव लड़िए। भारत के खिलाफ बोलने वाले को वैसे भी वहां वोट इसके पहले मिलता था, लेकिन इस बार भारत के खिलाफ बोलने वाले को नहीं, भारत से दोस्ती करने वालों को वोट मिलेगा, ऐसा माहौल वहां पर है। इसलिए यहां पर भारत के खिलाफ बोलकर अगर वहां पर अपने लिए सुरक्षित जगह ढूंढ रहे हो, जैसे कि शाहरुख खान ढूंढ रहा था, तो वहां पर भी अभी जगह नहीं है। बहुत ही जल्द यह हिंदुस्तान अपनी ताकत दुनिया पर छोड़ेगा और इस देश के खिलाफ बोलने वाले को दुनिया में कहीं जगह नहीं होगी। इसलिए इसके साथ ईमानदार रहना आपके लिए अनिवार्य भी होगा। ऐसा भारत हम जरूर बनाएंगे।